हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग न्यूट्रिशन देख रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लेक्चर में देखा न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना और उसका यूटिलाइज करना, उसे ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम लोग सबसे पहले प्लांट का न्यूट्रिशन देखेंगे, उसके बाद फिर एनिमल्स का न्यूट्रिशन देखेंगे। देखो, प्लांट का न्यूट्रिशन का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनके पास, मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट एनर्जी का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनाता है, अपना फूड बनाता है। आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है एक्चुअल में, फोटोसिंथेसिस क्लास 10th के लेवल से। और आपको बता दें कि ये जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, आपके ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जैसा मैं बताऊंगा आपको, जो लिखूंगा बिल्कुल आपको एग्जाम के आंसर शीट में वही लिखना है, फुल में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और प्लांट के न्यूट्रिशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो, बचपन से हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा और हाई लेवल वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या एक्चुअल में आपको लिखना है, कितने तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का बात करें तो जो सबसे सिंपल सा डेफिनेशन है वो लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग उस सब्सटेंस को बोलेंगे जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन होगा, है ना। या हम लोग बोलेंगे देखो, ऑर्गेनिक मतलब क्या, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास कार्बन है वो कहलाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन है वो कहलाएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहां पे आपको दिख रहा है ना, इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन आपको साथ में नहीं दिखेगा। यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन साथ में रहेगा, उसके बीच जो बॉन्ड रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वो कहलाएगा ऑर्गेनिक, और उसके अलावा ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस का। अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मान लो कि ये एक लीफ है, प्लांट का क्या है, लीफ है। ये लीफ मतलब अगर हम लोग बोले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो लीफ ऑफ द प्लांट्स, अगर बच्चा वाला बात करें तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द लीफ। देखो, ये लीफ में क्या होगा, जो सनलाइट एनर्जी है, सनलाइट इस लीफ के ऊपर आएगा, ठीक है ना। इस लीफ में ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। देखो, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलता है सराउंडिंग से, है ना, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मिलता है सॉइल से, जो हम लोग रूट में पानी डालते हैं, सॉइल में पानी डालते हैं, वहां से वाटर मिल गया। और भी अदर न्यूट्रिएंट्स यहां से मिल जाता है, लाइक फास्फोरस, नाइट्रोजन, हम लोग खाद वगैरह डालते रहते हैं ना सॉइल में, तो उससे प्लांट को वाटर मिल जाता है, और भी कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल जाता है। अब देखो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में जो कि ग्लूकोज है C6H12O6। और ये जो ऑक्सीजन है ना, वाटर का स्प्लिटिंग भी होता है, जो वाटर है वो टूटता है, वाटर टूटेगा तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाता है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वहां पे जो प्लांट का फूड बनता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट, सिंपल यूनिट ग्लूकोज बोलते हैं, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाता है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। इसीलिए ना बोलते हैं जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, और ये हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। अब देखो, अगर हम फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखे, ये इक्वेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लिखना ही लिखना है ना। 6CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड आया सराउंडिंग से, प्लस 6H2O प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, ये आया वाटर कहां से आया, सॉइल से आया। सनलाइट एनर्जी है, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में, ग्रीन पिगमेंट है ये जो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्या बना देगा, ये बना देगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और यही फूड है ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट के लिए यही है ग्लूकोज। प्लस 6O2 एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, प्लस 6H2O, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी बनेगा। तो ये जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। आप लोग इस इक्वेशन को देखकर समझेंगे, हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में, लाइफ प्रोसेसेस के फर्स्ट लेक्चर में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उन सबको कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होगा, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन, मतलब वहां कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में टूटेगा, और एनाबॉलिज्म इज अ सिंथेसिस रिएक्शन, मतलब यहाँ जो सिंपल चीज है वो कॉम्प्लेक्स चीज में बनेगा। तो यहां से आप लोग देख के बताएंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो आप लोग देख रहे हैं जो सिंपल सब्सटेंस है या सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना दे रहा है, इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज। क्या बताए थे हम कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हो, या सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो यहां से हम लोगों को फोटोसिंथेसिस का एक और डेफिनेशन मिलता है। हम लोग एग्जाम में एक और डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट दैट इज अ सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ऑल दी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अर्थ। ये डेफिनेशन आप लोग फोटोसिंथेसिस में एक लिख सकते हैं, दो इनऑर्गेनिक कंबाइन करके, दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहा है दैट इज ग्लूकोज, और यही फोटोसिंथेसिस है। देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसका साइट क्या है, कहां पे होता है ये फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ये जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड वे में बताएं और फिर उसके बाद थोड़ा शॉर्ट वे में, जो फोटोसिंथेसिस का साइट है ये होता है आपका ग्रीन प्लांट्स के लीफ में
एक लेयर है जिसका नाम है मेसोफिल सेल, मेसोफिल लेयर भी बोल सकते हैं, मेसोफिल सेल। यहां पे मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट के में अंदर क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है वो प्रेजेंट है। ये होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि ग्रीन पिगमेंट है और क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। देखो हम लोग क्लास 9th में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखे हैं और जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम लोगों को फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है और मैकेनिज्म के अंदर हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टेप्स लाइट रिएक्शन में क्या क्या है, डार्क रिएक्शन का क्या स्टेप्स है, ये सारा चीज हम लोगों को देखना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले हम लोग बोले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है, ठीक है ना। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हैं। ये जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देखो क्लोरोप्लास्ट में जो सबसे पहले जो पहला चीज प्रेजेंट रहता है वो रहता है ग्रैना। देखो जैसे आप ऐसा समझो कॉइन है ना, पैसा सिक्का, उसको हम एक का ऊपर एक रखते जा रहे हैं और एक सिक्का को, एक सिक्का का नाम है थाइलाकॉइड। क्या नाम है, एक अगर प्रेजेंट है, देखो एक सिक्का है वन, इसका नाम है थाइलाकॉइड और यही अगर पूरा स्टैक्स में प्रेजेंट है एक के ऊपर एक अरेंज किए हुए है तो इसका नाम हो जाता है ग्रैना, या हम लोग बोल सकते हैं स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रैना। तो इसी तरह यहां भी प्रेजेंट होगा, पूरा को ग्रैना बोलेंगे और एक को थैलेकॉइड बोलेंगे, उसी तरह यहां भी प्रेजेंट होगा। ये समझ आ रहा है ना, और ये जो आपको थैलाकॉइड या ग्रैनम बोल लो यही है आपका लाइट रिएक्शन का साइट। लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, लाइट रिएक्शन आपका होता है ग्रैना में। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रैना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है ग्रैना में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। लाइट रिएक्शन का साइट है ग्रैना, या आप लोग बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन का साइट है थाइलाकॉइड। और क्यों है, क्योंकि वहां पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। देखो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस का नाम है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है यहां पे होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का साइट है थाइलाकॉइड और डार्क रिएक्शन का साइट है स्ट्रोमा, ठीक है। इन थाइलाकॉइड को जोड़ के रखता है लैमेले, इस स्ट्रक्चर का नाम है लैमेला, लैमेला। तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्लोरोप्लास्ट का जो कि एक ग्रीन प्लास्टिड्स है, जो कि एक ग्रीन प्लास्टिड्स है जो लीफ में प्रेजेंट रहता है, जो लीफ में प्रेजेंट रहता है और यही फोटोसिंथेसिस का साइट है। अगर आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है किसका, मेसोफिल सेल का। मेसोफिल सेल का लोकेशन देखना है तो यहां पे जो डायग्राम बना रहे हैं वो देखो। देखो सबसे पहले जो ऊपर वाला लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, लेकिन ये एक वाटरप्रूफ क्यूटिकल लेयर है। सबसे पहले क्यूटिकल, और क्यूटिकल के नीचे जो प्रेजेंट है
क्यूटिकल के नीचे जो प्रेजेंट है ये है अपर एपिडर्मिस, ये जो दिख रहा है आपको ये है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। फिर यहां पे नीचे प्रेजेंट रहता है इसका नाम है पैलिसेड लेयर। ये अभी हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है मेसोफिल सेल वो दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम बना रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये अभी जो ये स्ट्रक्चर है ये है पैलिसेड लेयर, दिस इज कॉल्ड पैलिसेड लेयर, पैलिसेड लेयर। पैलिसेड लेयर और फिर उसके नीचे जो ब्लू से बना रहे हैं इसका नाम है स्पॉन्जी लेयर। क्या नाम है इसका? स्पॉन्जी लेयर। और इसी स्पॉन्जी लेयर में और पैलिसेड लेयर में प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट। देखो जो रेड से जहां जहां बना रहे हैं वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये है क्लोरोप्लास्ट। यहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और इसी तीनों को मतलब ये हो गया पैलिसेड लेयर, दिस इज अ पैलिसेड लेयर, पैलिसेड लेयर, ये है तुम्हारा स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर। और इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, इन्हीं दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल। और यहीं पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसीलिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको बताया कि ये प्लांट के लीफ में होता है, लीफ के मेसोफिल सेल में होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब देखो इसके नीचे यहां पे हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और नीचे में फिर हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस, दिस इज अ लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, देखो जो सबसे आउटर सरफेस है, मान लो कि ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा जो स्किन दिख रहा है इसे हम एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर बोलेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा आउटर लेयर है। तो उसी तरह प्लांट का जो अपर लीफ है वो है अपर एपिडर्मिस और जो लोअर लीफ है वो है लोअर एपिडर्मिस। अब देखो यहां पे हम लोगों को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पता चल गया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता चल गया, अब हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले तो क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसका हो जाएगा कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वॉटर सॉइल से हम लोग ले रहे हैं ना, हम लोग ने प्लांट ले रहा है जो वॉटर, उसका स्प्लिटिंग होगा और वॉटर जब स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा और जो ऑक्सीजन है वो एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन बचा वो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन और उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज ग्लूकोज। थर्ड पॉइंट क्या होगा, रिडक्शन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई हाइड्रोजन इंटू कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। तो ये जनरल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। यहां पे सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, यानी कि लाइट एनर्जी का यूज करके वाटर को तोड़ा गया। वाटर जब टूटा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके बना दिया कार्बोहाइड्रेट, और यही प्लांट का फूड है। अब देखो इसके बाद हम लोग जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, वो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। देखो लाइट रिएक्शन को हम लोग लाइट डिपेंडेंट फेज और डार्क रिएक्शन को लाइट इनडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं। इसका हम लोगों को पूरा स्टेप्स देखना है, और यही मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है बताएंगे बहुत अच्छे से। देखो लाइट रिएक्शन में कुछ नहीं है वैसा, है बस दो चार इक्वेशन आपको याद करना है जो एग्जाम में एज इट इज लिख कर आना है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, मेरा गारंटी है। अभी जो आपको बोर्ड में पढ़ा दिए, जितना आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है और यही आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे हम लोग आने वाला वीडियो में देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तब तक आप लोग यहां तक पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन समझने के लिए हम लोगों को जो जनरल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो आना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए पूरा लाइफ प्रोसेसेस का सीरीज। थैंक्स ऑल।